इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड बाय शेयर मतलब इन्वेस्टर्स सभी आ जाएंगे इसमें, शेयर होल्डर लिखूंगा तो लिमिटेड हो जाएगा। कि जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं जितना मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न वो चाहते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हम जो दे रहे हैं बस वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो कुछ भी देना कंपल्सरी है ही नहीं, है ना। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उनको कुछ भी नहीं दिया तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। हम ये देखते हैं कि वो एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, जब वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे तो भाई वो 15% रिटर्न चाह रहे थे, तो ये 15% रिटर्न जो वो चाह रहे थे वो उनकी कॉस्ट, वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि अगर हम वो पे नहीं करेंगे तो उससे होगा क्या, वो लोग हमारे शेयर्स बेच देंगे, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में चले जाएंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे और उससे हमारे शेयर्स का मार्केट प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अपने मार्केट प्राइस को मेंटेन रखने के लिए वो मिनिमम डिजायर्ड रेट जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर अर्न करनी ही होगी, अपने इन्वेस्टर्स को देनी ही होगी, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। और लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था, एक बार सिंपली मैं उसको बात कर देता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट लिखना भूल गया मैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसकी हमने दो कैटेगरी की थी, एक तो हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में बांटा था, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आज से जो हम शुरू करेंगे मैं अब जस्ट उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमने की थी, हमने समझा था कि हम एक तो स्पेसिफिक कॉस्ट निकालते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट किसको बोलते हैं, कि डेट की कॉस्ट हम अलग से निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट जिसको हम KD से डिनोट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के अलग से निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के अलग से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग की अलग से निकालेंगे जिसको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, और जो स्पेसिफिक कॉस्ट के बाद इन सब का जो एवरेज हम निकालेंगे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओवरऑल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो अब हमारा काम यही रहेगा, हम पहले इन सभी सोर्सेज को अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी सबकी अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखेंगे, और जब सबकी अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने आ जाएगी तो हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको KO लिख दो, चाहे आप सिंपली K लिख दो, दोनों ही ठीक है, कोई समस्या नहीं, सिंपली K लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो आज हम कॉस्ट ऑफ डेट को तो ले ही रहे हैं, कोशिश करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर कवर कर सके तो, नहीं तो कॉस्ट ऑफ डेट को तो समझना ही है। तो कॉस्ट ऑफ डेट हम कैसे निकालते हैं ये समझना, डेट माने लोन, इसमें सारा लॉन्ग टर्म लोन आ गया, डेट का मतलब हमारा मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आ जाता है, इसलिए यहाँ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती शॉर्ट टर्म डेट के बारे में, तो हम केवल लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं। और अब ये ध्यान से समझो, जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट है उसके लिए पहले मैं इसको दो कैटेगरी में बांट कर चलूंगा, ठीक है। एक तो मैं कहूंगा कि कॉस्ट ऑफ डेट कौन से डेट की, जो डेट परपेचुअल डेट है, परपेचुअल डेट, ठीक है, जिसको इरिडीमेबल भी बोलते हैं, अभी बताता हूं इसमें मतलब, इरिडीमेबल डेट, और एक होता है रिडीमेबल डेट, ठीक है। अब इरिडीमेबल डेट का मतलब क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इरिडीमेबल या परपेचुअल डेट नाम की कोई चीज नहीं होती। रिडम्पशन का मतलब पता है, रिडम्पशन का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ना, डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया, यानी कि ऋण पत्रों का शोधन किया, हिंदी में बोलते थे शोधन, शोधन का मतलब क्या है कि उनका रुपया वापस लौटा देना। तो अब आप देखो कि किसी से यूं कहें कि भैया मेरे को 10 लाख रुपए का लोन दे दो, ठीक है भाई, किस रेट पर, 10% पर, 10% ब्याज दूंगा मैं आपको। अब वो आपसे ये पूछेगा भाई कब लौटाएगा, आप कहेंगे बस मैं अपने लाइफ में तो लौटाऊंगा नहीं, जब मेरा लाइफ समाप्त हो जाए तब मेरे बच्चे अगर लौटाते हैं तो बात रहेगी, मैं तो वापस करूंगा नहीं, क्या आपको लोन मिल जाएगा, इम्पॉसिबल,
ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। परपेचुअल डेट का मतलब वो लोन, वो रुपया जो कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी उसका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी वापस नहीं करेगी, सिर्फ उस पर ब्याज देती रहेगी। अब 10 लाख पर 10% बनता है तो हर साल भैया 1 लाख रुपया इस पर ब्याज लेते जाओ और मोज करो, और हम कुछ भी देने वाले इस पर नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट वी विल नेवर रिटर्न, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई लोन नहीं होता, ना आपको मिल सकता है। आप एक बार मानकर देखिए कि भैया मैं 20% लोन दूंगा, ब्याज दूंगा आपको, लेकिन पैसा मैं कभी भी नहीं लौटाऊंगा, ब्याज ब्याज देता रहूंगा। तो इस तरह की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको थ्योरेटिकली कंसेप्ट के रूप में ही सही लेकिन समझते हैं। और रिडीमेबल डेट, अब आपको पता है इसका उल्टा हो गया, वो डिवेंचर जिनका रुपया आपको वापस करना है एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे बैंक लोन हो, इंस्टीट्यूशन का लोन हो, वट एवर जो भी आप लें, लेकिन ये रुपया क्या है, इसका रुपया वापस करना है, शोधनीय। हिंदी में लिखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यह शोधनीय, ठीक है, और ये क्या है, अशोधनीय, ठीक है। यानी कि ये रुपया कभी भी वापस नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज मिलता रहेगा रेगुलर। यहाँ आपको प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा। अभी जो शोधनीय है ना, इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं लंप सम पेमेंट, लंप सम पेमेंट मतलब भैया 5 वर्ष के बाद सारा रुपया वापस लौटा देंगे इकट्ठा एक साथ, तब तक ब्याज देते रहेंगे, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष ब्याज देंगे, पांचवें वर्ष का ब्याज भी दे देंगे और प्रिंसिपल भी वापस लौटा देंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट, जो आजकल ज्यादा पॉपुलर है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कि वो लोन जिसका रुपया आप किस्तों में वापस करोगे, ठीक है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे और इंस्टॉलमेंट्स में आप उसकी पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे और फिर इन सभी सारी की सारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, इन सभी की और दो कैटेगरी बनेगी। एक हम इसको बिफोर, मतलब परपेचुअल डेट, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, लंप सम पेमेंट वाला बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। तो बार बार लिखने के बजाय ऐसे एरो लगा के एक साथ लिख रहा हूँ। एक तो बिफोर टैक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, एक आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो टैक्स का इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं, जितना कवर कर पाए उतना लेंगे, बाकी नेक्स्ट में ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ परपेचुअल डेट से, और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। मेरा यह मानना है कि अगर आप डेट को अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स बिल्कुल लगभग सेम इसी तरह से होता है, तो वो आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा, उसमें आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो परपेचुअल डेट होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, मैं आपको इस तरह का एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई एक डिबेंचर, अब ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, 10% डिबेंचर, ठीक है, 10% डिबेंचर्स और 500 रुपए का है, मैं जानबूझ कर 100 रुपए का नहीं कर रहा क्योंकि फिर उसमें कुछ मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो 10% डिबेंचर और एक डिबेंचर है भैया 100 रुपए, इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि भैया ये डिबेंचर 500 रुपए फेस वैल्यू का है और इस पर 10% ब्याज मिलता है, ठीक है। तो अब आपको इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी, जिसको मैं KD से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। 500 पर 10% कितना रुपया देंगे, 50 रुपया, ठीक है, और डिवाइड बाई कितने रुपए पर, 500 पर 50, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना 100। वैसे मैं अब जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो भी फॉर्मूले में लिखूंगा, मैं किसी में भी मल्टीप्लाई 100 आगे करूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मानकर चलूंगा कि वो आप मल्टीप्लाई 100 अपने आप कर लेंगे। जो फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा, जो वैल्यू आएगी, उसको हम पहले 1 के फिगर में 1 में निकालेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 10% को मैं 0.1 बोलूंगा, क्योंकि 10% का मतलब क्या है, 10/100, तो हम इसको 10/100 की जगह 0.1 में निकाल लेंगे। फिर परसेंटेज में तो आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको 100 से गुणा कर लेना, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई, ये तो 10% ही आई। तो आप कहेंगे कि इसमें
करना क्या था, इसमें तो कुछ नया सिखाने वाली बात ही नहीं थी, तो सिंपली वही बात है, ठीक है ना, उसी ढंग से निकल रहा है। तो अब देखो इसमें करने वाली बात वही ये हो जाती है, आप लोगों ने पढ़ा है अपनी जूनियर क्लासेस में, ये जो डिबेंचर्स है ना इनका हम इशू कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा डिबेंचर्स इश्यूड एट 5% प्रीमियम। अब क्या होगा भाई, अब ये जो डिबेंचर है ना वो 5% प्रीमियम पर इश्यू किया है, यानी कि एक डिबेंचर पर आपको मिला कितना, देखो मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ बाद में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो हम ये नहीं कर रहे कि पहले फॉर्मूला लिखे उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं फिर उससे निकालेंगे कि उसका फॉर्मूला एक्चुअल में बना क्या है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखें। अब 5% प्रीमियम पर इश्यू करोगे तो डिबेंचर जब इशू करोगे तो उस पर कितना रुपया मिलेगा आपको, 525 रुपया मिलेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना दोगे भाई, 525 पर 10% दोगे क्या, अगर करते हो तो गलत है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 525 पर 10% देंगे हम 52.5 इंटरेस्ट देंगे तो भैया ये गलत है, पर इशू किया, ठीक है, 5% डिस्काउंट पर इशू किया तो इसमें 25 रुपए कम कर दो जी, ठीक है, तो आपको अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हम 475 पर 10% देंगे 47.50 रुपए, तो आप फिर से गलती कर रहे हो, ये ध्यान रखना, आपको कभी सिखाया गया होगा बताया गया होगा कि चाहे डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर इशू करें चाहे प्रीमियम पर इशू करें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पर होती है, जो इसकी बेस वैल्यू, ठीक है, ये गलती मत कर देना, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए जो काम की बात आई ताकि मैं अगली बात पर चल सकूं, इंटरेस्ट विल बी, आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो, ठीक है, आपका टाइम बचेगा, इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ओनली ऑन फेस वैल्यू, इस फेस वैल्यू का एक और भी नाम है, ठीक है, इसे पार वैल्यू भी बोलते हैं, इसे कूपन प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों इसी के नाम है, फेस वैल्यू पार वैल्यू कूपन प्राइस, तो ये उस पर कंप्यूट होता है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब तो एक बात समझ में आई हमारे, क्योंकि अगर हम इस पर कर रहे होते तो 10% ही चल रहा होता, लेकिन अब आप देखो आपके कुछ बदलाव आ रहा है इसमें कि जब मैंने इसको प्रीमियम पर इशू किया तो भाई इंटरेस्ट तो वही 50 रुपये देना है लेकिन मिलेंगे 525 रुपये, और गुना 100 चलो मैं अभी तो कर ही देता हूँ, और दूसरे केस में 50 रुपये देना होगा मिले लेकिन 475 गुना 100। अब मैं अगर इन दोनों की परसेंटेज निकालूँ कि परसेंटेज रेट जो वैसे 10% थी लेकिन अब कितनी है, इन पर कोई चेंज आया या नहीं आया, मैं कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप देखिए ये रेट अब आपकी 10% से कुछ कम हो गई है, ये 9.52% आई है, ठीक है, और इधर बढ़ गई है 50/475 में कर रहा हूँ तो ये आ रहा है भैया 10.53%, ठीक है। देखो पोस्ट ऑफ जो डेट की मैं बात कर रहा हूँ हम उसको समझ रहे हैं, और उसमें मैंने आपको एक बात बताने की कोशिश की कि पोस्ट ऑफ डेट में एक तो इस चीज का फर्क पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, दूसरा इस चीज का भी फर्क पड़ रहा है कि आपने उसको इश्यू किस रेट पर किया है, 525 पर किया है कि 475 पर किया है या 500 पर किया है, 525 पर किया है तो देखो हमें मिले तो 525, एक तरह से हम 525 रुपए पर 50 रुपए ब्याज दे रहे हैं, यानी कि ये इफेक्टिव रेट कितनी बैठती है, और 475 मिल रहा है तो हम 475 पर देखा जाए तो 50 रुपए का ब्याज दे रहे हैं जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, आपके पास समझ में आ गई होगी। मैं इससे पहले कि इस पर कुछ और करके इसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करूँ एक चीज का और असर दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये जो जितने पर हम इशू करते हैं ना, ठीक है, ये दूसरा नोट समझ लेना भाई, ये नोट 1 था तो ये नोट 2 समझ लेना, कि जो आपका डिबेंचर्स है ना उसका एक तो होता है ये वाली फेस वैल्यू पार वैल्यू या कूपन वैल्यू, ये समझ गए ना, और दूसरा होता है इसका इशू प्राइस या सेल प्राइस, सेल प्राइस देख लेता हूँ,
इश्यू प्राइस या सेल प्राइस का मतलब समझ गए आप कि जो फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम है तो जोड़ दो, डिस्काउंट है तो घटा दो, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे आगे में, आगे इसको मैं बोलूंगा इश्यू प्राइस। तो कंफ्यूज मत होना, इश्यू प्राइस का मतलब जितने पर इश्यू हुआ। हाँ, अगर इश्यू अगर आपने एट पार पर इश्यू किया तो एट पार भी, पार वैल्यू भी 500 रुपए और इश्यू प्राइस भी 500 रुपए, ठीक है। पार वैल्यू भी 500 रुपए, सेल प्राइस भी 500 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम डिस्काउंट पर इश्यू किया तो प्रीमियम है तो जुड़ जाएगा, डिस्काउंट है तो घट जाएगा, ठीक है। अब एक चीज का और इस पर असर आने वाला है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये पहले मैं समझा दूं होती क्या है। देखो भाई, शेयर डिवेंचर्स वगैरह के मामले में आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप खुद जाएं और अपना सामान बेचें, है ना। अगर अब आपको मान लीजिए कोई जो है कोई चीज सेल करनी है तो आप ठीक है अपना सीधा अपना ग्राहक ढूंढेंगे, उससे बात करेंगे और उसको बेच देंगे। लेकिन शेयर्स में ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं होते, यहाँ जो खरीदना है या बेचना है वो किसके थ्रू होता है, ब्रोकर्स के थ्रू होता है, ठीक है। शेयर दलाल जिनको बोलते हैं उनके थ्रू खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। जैसे जमीन जायदाद के सौदे आपने देखे होंगे ना, खरीदने वाले बेचने वाले ब्रोकर्स होते हैं, इसी तरह से शेयर्स के मामले में, डिबेंचर्स के मामले में ब्रोकर्स होते हैं। तो जब आप खरीदते हो, ठीक है, और बेचते हो, अगर आपका सेबी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है तो आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सेबी का, और उसमें इन सब चीजों को मैंने एक्सप्लेन भी किया, आप वहां चाहे तो उसमें देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज अभी सिंपली यूं समझ लो कि जब मैं शेयर्स मान लो 500 रुपए का है तो खरीदा है बेचा, अगर वो भाई यूं कहता है कि भाई मेरे को 2% की इस पर कमीशन चाहिए, ठीक है, मैं इसमें फ्लोटेशन कोर्स को ब्रोकरेज बोल सकता हूँ, ठीक है, इसका क्या क्या नाम दे सकता हूँ, मैं इसको कमीशन कह सकता हूँ, मैं इसको ब्रोकरेज कह सकता हूं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट टैक्स के रूप में भी आती है, जैसे एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, ठीक है, एसटीटी बोलते हैं। तो जब आप शेयर्स खरीदते हो बेचते हो तो उस पर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा टैक्स लगाती है, 0.001% है, बेशक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी जब लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं तो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये टैक्सेस, ठीक है, कौन से टैक्सेस जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पर लगते हैं, इसको आप चाहो तो अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो, आपके लिए कुछ एडवांस प्राप्त हो सकती है, ठीक है, इसको आप किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कमीशन और ब्रोकरेज, जनरली ये दो तरह के खर्चे मिलेंगे। तो भाई अब ये क्या करेंगे, ये भी अब आपके देखो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। अब 500 रुपए का डिबेंचर मैंने एट पार पर इशू किया है तो उनके लिए डिस्काउंट को भूल जाओ, वो मुझसे क्या चाह रहे हैं, कमीशन चाह रहे हैं। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। तो 500 रुपए का डिबेंचर है और उसने कहा कि भाई 2% मैं कमीशन लेंगा। अब 500 रुपए का डिबेंचर जो मेरा बिकेगा तो एक्चुअल में तो मेरे पास 490 रुपए ही आए और ब्याज देना पड़ेगा वही 500 पर 10%, तो अब मेरी कॉस्ट फिर से कुछ चेंज हो जाएगी, है ना। और अगर ये मैंने 525 प्रीमियम पर इश्यू किया है उस केस में भी हमसे कमीशन ले सकता है वो, ठीक है ना, ब्रोकरेज। अब ऐसे समझो, अभी मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज को मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब होता है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि 525 रुपए का वेंचर भी का और उसने 5 रुपए मेरे से कमीशन ले लिया तो मेरे पास कितने आए एक्चुअल में 520। तो जो मैं इंटरेस्ट अभी जो मैं कह रहा था कि भी जो मेरी कॉस्ट है 520 के हिसाब से 525 के हिसाब से आएगी वो 520 के हिसाब से निकल जाएगी, 500 / 520 × 100, ठीक है। अभी इतने कोई पकड़ते फिर हम आगे बात करते, ये जो 500 में बिका शेयर, 525 में बिका, 490 में बिका, 475 में बिका, इसका क्यों ना एक नाम दे दिया जाए। तो इसका हम नाम देकर चल रहे हैं, इसे हम बोलेंगे बेटा नेट प्रोसीड्स।
तो मेरे कुछ हद तक ये समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकल रही है, केडी। ऊपर तो मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूँ ना, हर बार मैंने हर बार 50 रुपए ही लिखा है, चेंज तो नहीं किया उसको। ऊपर तो मैंने इंटरेस्ट लिखा और नीचे लिखा मैंने एन पी, और गुना सो कर सकते हो, गुना सो चलो मैं अभी कर देता हूँ, बाकी बार बार मैं जरूरत नहीं समझता कि फॉर्मूले के साथ में गुना सो करो। तो ये मेरा फॉर्मूला बना, मैं आपको इसमें पहले टेक्स्ट का असर दिखाऊंगा क्या होता है, फिर थोड़ा सा मुझे ब्रोकरेज पर बात और करनी है आपसे, ठीक है। तो KD इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब ये नेट प्रोसीड्स क्या है, अगर अब आपको बताना हो तो समझ में तो आ गया, उसको लिखें कैसे। नेट प्रोसीड्स का मतलब है भाई फेस वैल्यू, जो हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम है तो जोड़ दो, प्रीमियम डिस्काउंट दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते इसलिए मैं ब्रैकेट कर रहा हूं, माइनस डिस्काउंट या ओब्लिक लगा देना भाई, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती, या तो प्रीमियम हो गया डिस्काउंट होगा, तो प्रीमियम है तो जोड़ देना, डिस्काउंट है तो घटा देना, ठीक है। और क्या घटा देना भाई इसमें से, और घटा देना इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट, तो जो आएगा वो नेट प्रोसीड्स है और उसी पर डिबेंचर की कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। तो ये तो आपके समझ में आ गया। अब मैं फ्लोटेशन कॉस्ट पर थोड़ी सी बात आपसे और करना चाहता हूँ कि फ्लोटेशन कॉस्ट, अब ये तीन सिचुएशन है, एक डिबेंचर 500 रुपए का है, या डिबेंचर 525 रुपए का बिक रहा है, या फिर डिबेंचर 475 रुपए का बिक रहा है। और मैं अब आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनना और फिर मुझे नेट प्रोसीड्स बताना कितनी आएगी, या मैं आपसे पूछूंगा। चलो अब मैंने कहा कि भैया इस पर जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, देखो ये फ्लोटेशन कॉस्ट आपको तंग करेगी अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो। फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने लिखी भाई 2%, 2%, और मैं क्लियर कर रहा हूँ और ध्यान से देखना आगे जो एक दो चीजें हम इस पर और समझेंगे। 2% ऑन फेस वैल्यू, अगर अब ये हो तो नेट प्रोसीड्स कितनी निकलेगी इस सिचुएशन में। 2% किस पर भाई, फेस वैल्यू पर, 500 पर 2% कितना हो जाएगा भाई, 10 रुपया। तो यहाँ मेरी नेट प्रोसीड्स आएगी 490, और जब मुझे कॉस्ट निकालनी होगी तो मैं करूंगा 50 डिवाइड बाय 490 गुना 100 आप कर, ठीक है। 525 रुपए का बेच रहे हो, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑन फेस वैल्यू, जब मैं लिख देता हूँ फेस वैल्यू तो डाउट खत्म। अब जो 2% लगेगा सिर्फ 500 पर ही लगेगा, यानी कि 500 पर 2% कितना हो गया, 525 में से जो 2% घटाना, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, 2% किसका, 525 का नहीं, 500 का, यानी कि वही 10 रुपए घटेंगे। तो अभी आ जाएगी नेट प्रोसीड्स आपकी 515, और कॉस्ट निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 515 गुना 100 होगा, ठीक है। और अगर इधर यहाँ इस वाली सिचुएशन की भी बात करो भाई, 475 माइनस क्या करूँ, 2% ऑन फेस वैल्यू, यानी कि इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन 2% किसका घटाना है, 500 का घटाना है, ठीक है। तो ये 10 रुपए ही घटेगा फिर से। अब 465 यानी कि 50 डिवाइड बाय 515 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये तो हुआ फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो इस पर समझना है। अब मैंने कहा थोड़ा सा रोल बदल दिया, ठीक है, नेट प्रोसीड्स को छोड़िए, नेट प्रोसीड्स को निकालनी है। मैंने कहा भैया फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑन सेल प्राइस या इश्यू प्राइस, ठीक है, 2% ऑन सेल प्राइस या इश्यू प्राइस। अब कैसे निकालेंगे, अब समझो, अब यहाँ 500 रुपए का डिबेंचर में तो 500 में बेच रहा हूँ, पहली सिचुएशन तो मैं फेस वैल्यू की कर रहा हूँ ना, तो अब फेस वैल्यू भी क्या है 500, और इश्यू प्राइस भी क्या है भाई 500, दोनों ही 500, सोचने की जरूरत नहीं है।
500 का 2% घटा दो, यानी कि यहाँ तो वही 490 रहेगा, लेकिन यहाँ क्या बदलाव आएगा? यहाँ मैं बेच रहा हूँ इसको 525 का, है ना, प्रीमियम 5% जोड़कर 525 का बेच रहा हूँ, तो पहले प्रीमियम जोड़, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 2% कॉस्ट किसकी, 525 पर 2%, क्योंकि मैं इश्यू प्राइस की बात कर रहा हूँ, सेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, अब ये फेस वैल्यू पर नहीं है, अब ये 525 पर 2% चाहिए मुझे, और 525 पर 2% में अगर निकालूं तो ये 10 रुपए 50 पैसे आते हैं, ठीक है। तो अब ये 525 में से 10 रुपया 50 पैसा रखेगा, ठीक है। तो जो पहले आ रहा था, बेशक ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत है वो तो गलत ही माना जाएगा। तो अब आप जो करेंगे 515 के बजाय लिखेंगे 514 रुपए 50 पैसे, ये अब आपकी नेट प्रोसीड्स में क्या निकालता हूँ, हर सिचुएशन में एमपी नेट प्रोसीड्स निकाल रहा हूँ। और यहाँ थर्ड सिचुएशन को भी समझ लो भाई, कि 475 का बेच रहा हूँ और मैंने कहा कि भाई 2% इस पर, 2% अगेन इस पर ऑन सेल प्राइस, इश्यू प्राइस, यानी कि 475 पर 2%। अब 475 पर 2% करूंगा तो ये कितना आएगा, 475 का 2% बैठता है भाई 9 रुपए 50 पैसे, वही 50 पैसे का फर्क आ जाएगा। तो 475 माइनस 9.5, यानी कि अब ये जो वैल्यू आएगी 465.5 आएगी नेट प्रॉफिट्स। आई थिंक ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी, दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूँ, उसको भी समझना, ये आपको फिर नोट कर लेना, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन रहता है हमेशा, और अमूमन आपको बुक्स में ये चीज नहीं मिलेगी शायद। तो अब यहाँ देखिए, तीसरा मैं लिख रहा हूँ भैया, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, बस आगे मैं साइलेंट, आगे कुछ नहीं कहा मैंने। अब 2% तो वट, यहाँ अब आपको कंफ्यूजन है, आप 2% में किसका लू भाई, फेस वैल्यू का या पार वैल्यू का? तो यहाँ अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप चाहें तो नोट कर लो, ठीक है, कि इन अब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, ये अब्सेंस लिखा है मैंने, ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, will be computed on, ठीक है, इन अब्सेंस का मतलब जब 2% किस पर वो बताए ना, तब उसकी बात कर रहा हूं, 2% रोटेशन कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू जो ज्यादा हो, विच इज मोर, ये चीज ध्यान रखना, दोनों में से जो ज्यादा हो हम उस पर लेंगे, ठीक है। वैसे अमूमन होता है सभी इश्यू प्राइस पर ही चलता है सारा, बट अभी आप जो है जो ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब है उसी को फॉलो करें। तो भाई यहाँ फर्स्ट सिचुएशन जब पार पर इश्यू कर रहे हो तो फेस वैल्यू नहीं, सॉरी हाँ फेस वैल्यू 500, इश्यू प्राइस 500, तो भाई फिर तो बात वही है कि इस पे निकालो तो इस पे निकालो 490 ही आना। अच्छा, जब आप 500 का शेयर 525 में इश्यू कर रहे हो तो अब ये है फेस वैल्यू और ये है आपका इश्यू प्राइस, अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, इन दोनों में से जो ज्यादा कौन सा है, वो अधिक है, जो 525 है वो इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इस 500 जहाँ क्या कर रहे हो आप, कि आपका जो डिबेंचर है वो है तो 500 रुपए का, लेकिन आप इश्यू किस पर किया है 475 में,
और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, फेस जो है क्या नाम है, 2% जो फ्लोटेशन कोस्ट है मैं किस पर निकालू, तो 2% फ्लोटेशन कोस्ट आपको किस पर निकालनी है, विच एवर इज मोर, अगेन दोनों में से जो ज्यादा है उस पर आपको निकालनी है, ठीक है। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा वाला है भाई, वो आप देख पा रहे हो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, दोनों में से जो अधिक है वो 500 रुपए है, फेस वैल्यू ज्यादा है। तो अब मैं जो फ्लोटेशन कोस्ट निकालूंगा इस 500 पर निकालूंगा भाई 2%, यानी कि 10 रुपया। तो अब मेरी जो कह लीजिए कि जो फेस वैल्यू नेट प्रोसीड्स आएगी, ठीक है, नेट प्रोसीड समझ रहे हो ना जो मैंने बताया आपको, तो 465 रुपए नेट प्रोसीड्स। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आधा कंफ्यूजन तो आपका वैसे ही खत्म हो, ठीक है। तो अब टैक्सेशन की मैं बात कर लूँ, ठीक है, उसके बाद हम एक बार इन फॉर्मूले को समरी रूप में लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक का जो काम है अपना वो कवर हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। आज तो शायद हो सकता है डेट तक का ही काम हो पाए, बट चलो जितना हो पाए वो अपने अच्छे से समझ में आ जाए उतनी कोशिश रहेगी। तो 465 ये अब आपको नेट प्रोसीड्स हर केस में निकालने हमने बता दिया। अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स का क्या असर पड़ेगा। अब टैक्स का असर क्या पड़ेगा वो समझने के लिए, वैसे शायद आपको एक बार लीवरेज के टाइम मैंने बताया भी था, आप यूं समझो कि एक कंपनी है उसकी ईबीआईटी है 50,000 रुपया, ठीक है, और वो इंटरेस्ट देती है 10,000 रुपये का, ठीक है। और समझने में आसानी के लिए मैं अभी टैक्स रेट को 50% ले रहा हूँ, 50%, ठीक है। तो 10,000 रुपये वो इंटरेस्ट पे करती है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी है इसकी, 40,000 रुपये। अब इस पर टैक्स कितना देगी, वो टैक्स देगी 50%, 20,000 रुपये टैक्स दे देगी, ठीक है। तो बाकी 20,000 रुपये आपके पास नेट बचे, 10,000 रुपये देते हैं। अब मैंने कहा कि अगर हमारे डिबेंचर होल्डर सारे मिलके कहते हैं लो भाई हम इस बार ब्याज नहीं लेंगे आपसे, ठीक है, तो हमें कितनी बचत होगी, आप कहेंगे ये 10,000 रुपये की बचत हो जाएगी, 10,000 रुपये जब इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो 10,000 रुपये की बचत हो जाएगी। अभी देखते हैं कि एक्चुअल में होगी कि नहीं होगी। अब ये 50,000 रुपये बचेंगे और 50,000 पर 50% टैक्स ले जाएगी गवर्नमेंट, मेरे पास कितने बचे, मेरे पास तो 25,000 ही बचे। अब गौर करने वाली बात है, देखो 10,000 रुपये का खर्चा कम करके भी केवल 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये है कि ये जो 10,000 रुपये मैं दे रहा था ना, जो मैं मुझे नजर आ रहे थे कि भी मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ, एक्चुअल में जो 10,000 रुपये दे रहा हूँ उसमें 50% तो मेरा टैक्स बच है, ठीक है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट तो उसकी कितनी बैठ रही है कि 10,000 में 1-t कर दो, यानी कि 10,000 में 1-0.5 कर दो, एक्चुअल कॉस्ट तो मेरी जेब से 5,000 ही जा रही है। और ये अगर टैक्स रेट अगर 40% होती तो मैं कहता कि 10,000 × 1-0.4 कर दो, एक्चुअल कॉस्ट मेरी पॉकेट से जो जाएगी 6,000 रुपये जाएगी, क्योंकि 4,000 रुपये तो मेरा टैक्स बच जाएगा, 10,000 पर 40% टैक्स बच जाएगा मेरा। इसी तरह से अगर ये टैक्स रेट 30% होती तो 10,000 पर 30% आपका टैक्स बच जाता है, यानी कि पॉकेट से कितना जाता है 1-0.3, तो इफेक्टिवली आपकी पॉकेट से महज 7,000 रुपये ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टैक्स क्या करता है, टैक्स आपका जो है कॉस्ट को कम कर देता है, ठीक है। तो जो अब आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ सब में, मैं 1-0.3, 1-0.4 या 1-0.5 कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ उसको 1-t से गुना कर रहा हूँ, है ना। तो उसी को मैं इम्प्लीमेंट करूँ कि अगर आफ्टर टैक्स कॉस्ट मुझे निकालनी हो परपेचुअल डेट की, तो इंटरेस्ट इतना मेरे समझ में आ रहा है, एनपी ये मैं जान चुका हूँ, और ये तो है बिफोर टैक्स, और अगर आफ्टर टैक्स मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1-t और कर लेना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी को जो आ जाए वैल्यू उसको फिर गुना सो कर लेना, यहाँ 100 में किसी में भी नहीं करूंगा, किसी फॉर्मूले में आपको करना हो आप ऐसे ही बड़ी ब्रैकेट करके गुना सो कर लो, या आप सिंपली अभी ऐसे निकाल लो 1 की फिगर में 100 से गुना कर लो। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट हम कैसे निकालते हैं,
ठीक है, आप कहेंगे हम एग्जाम्पल भी ले लेंगे, एक एग्जाम्पल में हम सारा वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं जरा बात करूं कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट जो हमारे सामने आ रहा है, कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई तुम्हारा बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स और ये आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स में केडी कैसे निकाला जी, सिंपली किया इंटरेस्ट डिवाइड बाई एनपी, गुना सो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और यहां हमने क्या किया जो निचोड़ रूप में निकल कर आया, इंटरेस्ट डिवाइड बाई एनपी और इंटू वन माइनस। अब उनको मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, वो आपके लिए छोड़ दिया। आई मतलब इंटरेस्ट, एनपी का मतलब जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख ले, नेट प्रोसीड्स, फिर नेट प्रोसीड्स का मतलब बताना, नेट प्रोसीड्स होती है भाई फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये बताना है। टी का मतलब टैक्स रेट है, टैक्स रेट कैसे लिखनी है, 30% है तो 30 मत लिखना, 1 माइनस 0.3, 40% है तो 1 माइनस 0.4 एंड सो, ठीक है। और साथ में ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में आपको बातें बताइए कि फ्लोटेशन कॉस्ट में भी कंप्यूटेड ऑन इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू, ठीक है, जैसी हमें क्वेश्चन में दे रखी हो। हाँ, अगर नहीं दे रखी हो तो इन दोनों में से जो ज्यादा है उस पर कंप्यूट की जाती है, वो बात आपको बतानी है। ये अपने लिए नोट डाल लेना कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पर करनी है, ना कि इश्यू प्राइस पर करनी है। तो ये सारा आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, और वो एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि थोड़ा अपना वही एग्जांपल ले लेना कि 500 रुपए का डिवेंचर है, 10% डिवेंचर, ठीक है, इसको इश्यू किया आपने, फर्स्ट सिचुएशन इश्यू किया एट पार, ठीक है, एट पार का तो आप समझ चुके हो, मैं दो ले लेता हूँ बस, एट प्रीमियम, ठीक है, और दूसरा एट डिस्काउंट। प्रीमियम भी 10% ले लेता हूं सुविधा के लिए, डिस्काउंट भी 10%। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने ले ली 2%, 2% ऑन, क्लियर कर देता हूं मैं, ऑन इश्यू प्राइस, ठीक है, इश्यू प्राइस पर लेनी है। टैक्स रेट है, टैक्स रेट कितनी ले लें भाई, 40% टैक्स रेट ले, समझने के लिए कुछ भी। अब आप इसकी कॉस्ट निकालो, तो भाई कॉस्ट निकालने से पहले आप इसकी नेट प्रोसीड्स निकालो। तो फर्स्ट सिचुएशन में नेट प्रोसीड्स कितनी होगी, 500 का डिवेंचर, 10% प्रीमियम पर हो गया 550, और 550 में 550 का 2% यानी कि 11 रुपये, 550 का 2% इश्यू प्राइस पर है, 2% यानी कि 11 रुपये, ठीक है। तो ये 550 में से 11 रुपये घटा देना भाई, 539 रुपये नेट प्रॉफिट हो जाएगी। और इस केस में 500 में 10% घटा दो 450, और फिर 450 का 2% यानी कि 9 रुपये, तो ये 441 रुपया हो जाएगी आपकी कॉस्ट, ठीक है। और आप फाइंड आउट कैसे करोगे जरा उसको समझ लें। तो अब जरा देखो भाई, फर्स्ट सिचुएशन में आपको कॉस्ट कैसे निकालनी है, केडी आपकी जो होगी बिफोर टैक्स, ठीक है, केडी पहले मैं बिफोर टैक्स निकाल दूँ फिर उसी पर आफ्टर टैक्स कर दूंगा। तो 50 रुपया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 539, ठीक, और ये तो हो गया बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स ये तो 1 माइनस 0.4, ये गुना सो कर दिया। दूसरी सिचुएशन में केडी आ जाएगी, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, इसमें 50 डिवाइडेड बाई 441 इंटू 1 माइनस 0.4, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस दे रखा होता है, तो जहां आप फॉर्मूले में एनपी लिख रहे हो ना, उस एनपी की जगह आप एमपी लिख लेना, मार्केट प्राइस लिख लेना, उस केस में आप मार्केट प्राइस दे जाएगा, जस्ट इतना फर्क है और कुछ इसमें फर्क नहीं है। तो ये परपेचुअल डेट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रिडीमेबल डेट को और समझ लेते हैं, अगर इतना आ गया तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। रिडीमेबल डेट में दो चीजें होती हैं, एक जो है लमसम पेमेंट और एक होती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट।
मैं सिर्फ लमसम पेमेंट की बात करता हूँ आज, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लमसम पेमेंट। अब देखो जरा लमसम पेमेंट का मैं कोई पहले एग्जांपल डाल दूं फिर क्वेश्चन बना लेंगे। मैंने कहा कि भाई 500 रुपए वाला कोई डिवेंचर है 10% वाला, ठीक है, आपने इसको इश्यू किया इश्यू 5% डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर, ठीक है, और इसके अलावा रिडेमेबल एट पार करूं प्रीमियम करूं, चलो प्रीमियम कर देता हूं, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, 5% प्रीमियम पर रिडीमेबल है, ठीक है, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है ऑन फेस वैल्यू, लिख देता हूं पूरा फेस वैल्यू, ठीक है, और रिडीमेबल एट पार 5% प्रीमियम पर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्षों के बाद इसका रुपया आपको लौटाना है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि भाई इसकी कॉस्ट निकालो, अब जरा पहले आप समझो कि इसकी कॉस्ट होगी क्या, समझने वाली बात है, पहले ये समझते हैं। थोड़ी देर के लिए अभी आप टैक्स को इग्नोर कर दो, ठीक है, टैक्स फैक्टर को इग्नोर करते हैं और फिर मैं निकालता हूँ कि भाई मेरे पॉकेट से क्या जा रहा है, ये के डी हो गया। अब देखो मैं क्या दे रहा हूँ, 500 पर 10%, 50 रुपये का ब्याज तो हर साल दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा मैं क्या दे रहा हूँ, ध्यान से देखो तो 500 वाला 5% कम में तो इश्यू किया, 25 रुपए का नुकसान तो यहाँ उठाया, और 5% फालतू देने हैं, 25 रुपए का नुकसान यहाँ उठाया, ठीक है, यानी कि 50 रुपए का लॉस हो रहा है इन 10 सालों में, ठीक है। डिवेंचर पर लौटाने कितने हैं 525 और इश्यू कितने में हुआ है 475 में, तो 50 रुपए का लॉस हो गया एक डिवेंचर। अब ये सारा एक ही वर्ष राइट ऑफ करोगे तो बड़ी समस्या आएगी, तो आपने पढ़ा होगा कि इस तरह का जो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है उसको क्या करते हैं, इक्वली राइट ऑफ कर सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है कि हर वर्ष बराबर बराबर बांट देना। तो ये जो 50 रुपए का जो लॉस है उसको मैंने क्या किया, 10 वर्ष बाद रिडेम्पशन है ना, इन 10 वर्षों में बांट दिया, तो 525 माइनस 475, ठीक है, तो ये 50 को 10 से डिवाइड करके हर साल 5 रुपए का ये नुकसान हो रहा है, 50 रुपए इंटरेस्ट जा रहा है और 5 रुपए का ये नुकसान हो रहा है, ठीक है। डिवाइड बाई इशू कितने में किया है, इशू हुआ है वो 500 पर, नहीं सॉरी 475 पर। अच्छा मैं एक चीज भूल गया भाई, 2% जो है फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई थी मैंने, तो ये 475 के बजाय बल्कि आएंगे 465, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू है 500, 500 पर 2% कितना हो जाएगा भाई, 500 पर 2% 10 रुपये हो जाएगा, तो 475 के बजाय भी हमारे पास 465 रुपये आएंगे, तो 525 रुपये लौटाएंगे, मिल रहे हैं मैं 465 रुपया, यानी कि 60 रुपये का लॉस 10 साल में होगा, हम हर वर्ष 6-6 रुपये बांट देंगे, और उसको डिवाइड किससे करें, डिवाइड हम अमूमन करते हैं नेट प्रोसीड से, लेकिन अब क्योंकि 10 वर्ष बाद वो रुपया लौटाना भी है, तो यहाँ हम दोनों वैल्यू का एवरेज कर लेते हैं कि अभी मिला कितना 465, फिर बाद में लौटाएंगे कितना 525, इन दोनों लागत दोनों जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें ये फॉर्मूला, ये जो है ये वैल्यू आप कंप्यूट कर सकते हो, फॉर्मूला क्या बना, ये 50 रुपये क्या है आपका इंटरेस्ट प्लस ये 10 वर्ष, ठीक है, जितने वर्ष के बाद रिडेम्पशन होना है तो 1/n लिख दूं उसको, 5 वर्ष होते तो यहाँ 5 आ जाता, 6 होते तो 6 आ जाता, ब्रैकेट, ये 525 रुपया क्या है, जिस वैल्यू पर रुपया लौटाया जाएगा उसे हम बोलेंगे रिडीमेबल वैल्यू, RV लिखूंगा मैं इसको, RV रिडीमेबल वैल्यू, और ये 465 क्या थी, वो नेट प्रोसीड्स थी, ठीक है, और नीचे क्या लिया है मैंने, नीचे इन दोनों का एवरेज लिया है, तो 1/2 ऑफ RV प्लस NP नेट प्रोसीड्स, ये बन गया अपना फॉर्मूला, ठीक है। आपने बनाया है, देखो आपके सामने जिस तरह की जो थी हमने जस्ट इंफॉर्मेशन करी है, ठीक है। तो KD कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल डेट जब लमसम पेमेंट होता है तो क्या होता है, किस तरह से कंप्यूट करते हैं, ऐसे। यहाँ I का मतलब है
इंटरेस्ट आई मतलब इंटरेस्ट, आर वी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, अब आपने ये पढ़ाई होगा रिडीमेबल वैल्यू डिबेंचर का रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, इसलिए रिडीमेबल वैल्यू जैसे इस क्वेश्चन में तो दे रखी थी कि रिडीमेबल वैल्यू कितनी है कि 5% प्रीमियम पर, अगर रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी हो तो लिख लेना, अगर रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम इसको किस पर मान लेंगे एट पार पर, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं कह रखा हो कि रिडम्पशन कितने बस यूं कहते कि 10 वर्ष बाद रिडम्पशन करना तो इसका मतलब 500 था तो 500 लौटा, ठीक है, प्रीमियम बता दे तो प्रीमियम, डिस्काउंट पर रिडम्पशन हो ही नहीं सकता। एनपी का मतलब वही है नेट प्रोसीड्स, ठीक है, एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स, वही जो मैं बताता आ रहा हूं आपको नेट प्रोसीड्स, ठीक है, और एन का मतलब है मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड यानी कि नंबर ऑफ ईयर जितने वर्षों के बाद रिडम्पशन होना है, नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच द डेट इज टू बी रीपेड, कि वो वर्ष जितने वर्षों के बाद उस डेट को हमें रीपे करना है, वापिस करना है, उसे हम एन से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो अब आप देखो रिडीमेबल वाले में भी अपना थोड़ा सा काम तो हो गया, मैं उसको निचोड़ रूप में लिख देता हूँ फॉर्मूले के रूप में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट लंप सम पेमेंट के केस में, ठीक है, तो केडी बिफोर टैक्स कितनी मिली, बिफोर टैक्स मिली ये आई प्लस 1/n आर वी रिडीमेबल वैल्यू लिख चुका हूं ऊपर, माइनस एनपी नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय इसकी एवरेज 1/2 आर वी प्लस एनपी, ये तो हुआ बिफोर टैक्स। ठीक है, अब आफ्टर टैक्स निकालनी हो तो KD इक्वल टू, अब कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा यहां पर 1-t कर देते हैं लास्ट में किया और इधर से 1-t कर देंगे वो, ठीक है, ये गलत है, ये नहीं करना है, यहाँ 1-t नहीं होगा, ठीक है। बेशक कुछ बुक्स पे जब आप फिर क्वेश्चन करेंगे आपके जो आंसर भी बेशक नहीं मिलेंगे वहाँ, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग, ठीक है, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट की डेफिनेशन में नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना जो हमें टैक्स बेनिफिट देना है वो सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट पर देना है, आई ब्रैकेट 1-t यहाँ होगा, ठीक है, प्लस 1/n आर वी माइनस एन पी, बस इतना ही फर्क है, डिवाइडेड बाई आगे सब सेम 1/2 आर वी प्लस एन पी, और देखिए मैंने गुना सो यहाँ पर भी नहीं किया, गुना सो आप कर लीजिए, आपका छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको देखना हो तो मैंने पहले ही दिया था, आप इसको कंप्यूट कर लें, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्यूट करके आपको बताऊँ तो मैं भी बता ही देता हूँ कितना आता है, 465 प्लस 525, ठीक है, 990, दो से डिवाइड किया एवरेज होगी 495। अब यहाँ आप देख पा रहे हो इधर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो 50 और ये हो गए 6, तो 56 को मैं 495 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 11.13 इसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, 11.13 आ रही है, 100 से गुना करेंगे तो 11.13% हो जाएगी, और आफ्टर टैक्स निकालने तो इस 50 के ब्रैकेट में 1-t और कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अब आपके आते यही है इंस्टॉलमेंट पेमेंट के, आपके अक्सर कम आते हैं बट फिर भी मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ डेट लगभग लगभग कंप्लीट हुआ, जो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई गई, ठीक है। तो इसके अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम इसके बारे में थोड़ा सा और बता देंगे और फिर आगे चलेंगे प्रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है।